अभी तो मैंने यहाँ आउट हाउस में लाइट जलती हुई देखी थी, अचानक अंधेरा कैसे हो गया? कौन है वो? कौन है वो? कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? पापा, पापा, सुबह से वहां बैठी हुई है,
3 घंटे हो गए इनके अंतिम संस्कार के, पर हिली नहीं रही वो वहां से। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। थैंक यू बेटा। आप श्रुति सच में बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम जैसा लड़का मिला। आप आराम कर लीजिए, अब मैं श्रुति से बात करता हूं। आइए। श्रुति प्लीज अंदर चलो, मॉम तुम्हें लेके बहुत वरिड है। वो ऐसा नहीं कर सकते थे कुशल, कोई कुछ भी कह ले, मैं जानती हूँ मेरे पापा ने आत्महत्या नहीं की थी। श्रुति वो बहुत डिप्रेस थे, ये बात तुम भी जानती हो, और पिछले कई दिनों से उन्हें एंग्जायटी अटैक्स भी आ रहे थे। नहीं कुशल, तुम समझ नहीं रहे हो, कल रात मैंने वहां से एक औरत को निकलते हुए देखा था। क्या, कौन औरत? मैं नहीं जानती वो कौन औरत थी, पर प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है कुशल। श्रुति काम डाउन, तुम काफी टाइम से सोई नहीं हो, पहले चल के रेस्ट कर लो, फिर बात करते हैं, और कल शाम तक मेरे मॉम डैड भी आ जाएंगे। चलो जाओ, मॉम वेट कर रही है। मॉम, मॉम, क्या हुआ? कुछ नहीं। श्रुति तुम इतनी घबराई हो, क्यों लग रही हो? कुशल, पापा ने आत्महत्या नहीं की थी, उनका मर्डर हुआ था। क्या क्या कह रही हो? जिस औरत को मैंने कल रात वहां से भागते हुए देखा था, उसने यही नाइट गाउन पहना था। ये नाइट गाउन मामा के कबर्ड से मिला मुझे। तो फिर ये मॉम के कबर्ड में कैसे आया? यही तो मैं सोच रही हूँ कुशल, ये नाइट गाउन मामा के कबर्ड में कैसे आया? श्रुति तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम ये बेकार की बातें छोड़ो, चलो चलो मेरे साथ चलो। श्रुति वो तुम्हारी मॉम है, पहले से बेचारी इतनी दुखी है। तुम नहीं जानते कुशल, मॉम डैड के डिप्रेशन से पक चुकी थी, परेशान रहती थी उनसे, हमेशा उन्हें डांटती थी, कोसती थी। मैं ही जानती हूँ डैड कितने दुखी रहते थे। श्रुति इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उन्हें मार देंगे। माँ है तुम्हारी वो, तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, और ये सब बेकार की बातें छोड़ो। यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, ओके? श्रुति सब ठीक हो जाएगा, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना।
क्या बकवास कर रही थी तुम? मैंने सब सुना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा को मैंने मारा? मॉम प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कुशल से बात करने में तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी? अपनी माँ से ज्यादा अजनबियों पे भरोसा है तुम्हें? कुशल अजनबी नहीं है मॉम, मेरी एंगेजमेंट हुई है उसके साथ। वो जो भी है, तुमने मेरे बारे में ऐसे कैसे सोचा? तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल भी कैसे आया? तुम पागल हो गई हो क्या? मॉम, आपके कमरे में वो नाइट गाउन कहां से आया? क्या नाइट गाउन? वही नाइट गाउन मैंने उस औरत को पहने हुए देखा था उस रात जब वो वहां से भाग रही थी। मैं आपसे ये पूछती हूँ, वो नाइट गाउन आपके पास कहां से आया मॉम? मुझे क्या पता। प्लीज अब ये सब नाटक बंद कर दीजिए। मैं जानती हूँ आपको पापा कभी पसंद ही नहीं थे। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? कहाँ जा रही हो श्रुति? मैं तुमसे बात कर रही हूँ श्रुति। फिर मॉम से कोई झगड़ा हुआ क्या? कुशल अब मैं वहां नहीं रह सकती। श्रुति, I just can't। कैसी बातें कर रही हूँ, ऐसे टाइम पे तुम मॉम को अकेला कैसे छोड़ सकती हो? पता नहीं किस हालत में होंगी वो। हाँ मॉम बोलिए। तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती बेटा, मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगी? आपको किसी की परवाह है? मैं वापस नहीं आ रही हूँ, मैं अब कुशल के साथ ही रहूंगी। सुनो बेटा, श्रुति दिस इज रियली नॉट डन। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? तुम मॉम को छोड़कर यहाँ कैसे रह सकती हो? और वैसे भी कल मेरे मॉम डैड आने वाले हैं, और वो तुम्हें यहाँ देखेंगे क्या सोचेंगे वो? मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। हाँ जी मॉम। कुशल बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आज रात को 11 बजे मेरी फ्लाइट है तो हम मिल लेते हैं। इस बारे में श्रुति को कुछ मत बताना। ठीक है मॉम। ठीक है बेटा। क्या हुआ मॉम, आप कुछ बताना चाहती थी? कुशल मैं ये कह रही थी कि मुझे बचा लो इससे। अब क्या हुआ? कोई नहीं वहां पे तो करा है वो। अब कोई नहीं वहां पे, मैं कह रहा हूं ना, आप आराम से बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं मैं आता हूँ। मुझे छोड़कर क्यों गई थी माँ? मॉम, मॉम कहाँ हो आप? Mom? कौन है? कौन है? Oh!
कॉल है। कॉल है अंदर। खोलो दरवाजा। हम है ना आपके लिए, रोइए मत। हाँ मॉम। हाँ दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं आपके साथ। कुशल के पापा, आप भी कुछ समझाइए। देखिए बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप कुशल से कह सकती हैं। आखिर कुशल भी तो आपके बेटे जैसा है। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। बच्चा मॉम, यहाँ कोई नहीं है, क्या हुआ? दीदी वहाँ कोई भी नहीं है, आप किससे डर रहे हो? वाह कोई नहीं है। मॉम वहाँ कोई नहीं है। मुझे छोड़कर क्यों गई थी माँ? देखो मॉम, क्या कर रहे हो तुम? वहाँ देखो आंटी को कितना डरा दिया तुमने, मुझे पक्का पता था ये बंटी की शरारत होगी। प्लीज रिलैक्स, ये तो बंटी है। मॉम वहाँ कोई नहीं है, कोई और बच्चा नहीं है, बंटी है मॉम। बंटी देखिए ना, तो कोई भी नहीं है।
मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये क्या है? ये तो मैं हूँ। और ये दोनों कौन है मॉम? बेटा, ये तुम्हारे पापा और ये तुम्हारा भाई। मेरा भाई? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने आज तक एक बात तुमसे छिपा के रखी थी, आज मैं वो सारी बातें तुम्हें सच सच बताती हूँ। जब तुम छोटी थी तब इसी घर में रहते थे, तुम, मैं, तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई। एक दिन अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से कमरे में आग लग गई और उसी आग में तुम्हारे पापा। मुझे लगा कि तुम्हारा भाई भी उसी कमरे में था, पर जब मैंने शोरूम का ट्रंक खोला तो उसकी बॉडी वहां पर मिली। शायद वो डर के मारे वहां पर छिप गया था। अपने पति और बेटे के खोने के बाद
मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर मुझे अपने आप को संभालना पड़ा। तुम्हारे लिए बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हें कौन देखता। और उसी दौरान बेटा, मुझे केतन का सहारा मिल गया। पर आज, आज वो भी नहीं रहा। मॉम, संभालिए अपने आप को। I'm very sorry, mom. I'm really very sorry. Mom, चलिए घर चलते, चलिए। भैया, भैया, वरुण भैया, मैं आपको देख सकती हूँ। भैया, मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया। जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ। मॉम आपको बहुत याद करती है, आपसे बहुत प्यार भी करती है। भैया झूठ, पहले पापा को मारा, अब तुम्हें भी मार देगी वो। हाँ, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकती। भैया, हमसे बहुत प्यार करती है वो। झूठ, झूठ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चलो मेरे साथ। भैया, इस वक्त मॉम को मेरी बहुत जरूरत है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं होगा कुछ। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो आ जाना हमारे पुराने घर में, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भैया, वरुण भैया, ये कुशल भी कहाँ चला गया? बेंगलुरु के होटल वाले भी कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस कल रात को ही खत्म हो गई थी, फिर उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ चला गया? कुशल, हेलो कुशल, हेलो हेलो कुशल, हेलो कुशल, कैन यू हियर मी? हेलो कुशल, कुशल स्पीक अप, क्या हुआ? कुशल कहाँ हो तुम? फोन कट हो गया। मॉम, 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 मॉम,
मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, वो स्टोर रूम का सामान थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ बस। और ये ट्रंक मॉम क्या इसमें? कुछ नहीं। क्या है मॉम इसमें? कुछ नहीं बेटा। कौन है ये? हिल कैसे रहा है? खोलिए इसे। सामान मॉम खोलिए इसे। कुछ नहीं। खोलो इसे मॉम खोलो। आपने क्या किया मॉम कुशल के साथ? मैं कुछ नहीं किया। आपने किया? वरुण भैया सही कहते थे, आपका कुछ भरोसा नहीं है। पहले पापा और अब कुशल, दूर रहिए मुझसे। श्रुति, श्रुति मेरी बात सुनो। श्रुति, श्रुति मैंने कुछ नहीं किया। श्रुति था, पता नहीं कहां चली गई है लड़की। श्रुति को कहाँ ढूंढोगे? बोलो ना माँ। कहाँ है श्रुति? मेरी बेटी कहाँ है? बोलो वरुण, मेरी बेटी कहाँ है? ऐसे कैसे? श्रुति चाहिए ना आपको? आओ लेके जाओ उसे। वही जहाँ आपने मुझे छोड़ा था। वरुण, वरुण मेरी बेटी को ले आओ। वरुण, वरुण। श्रुति, श्रुति कहाँ हो बेटा तुम? श्रुति, श्रुति तो मुझे सुन रही हो? श्रुति, श्रुति कहाँ हो तुम? वरुण,
वरुण मेरी बात सुनो, वरुण वरुण हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है वरुण, मैं सच कह रही हूँ वरुण। वरुण श्रुति को छोड़ दो, श्रुति को छोड़ दो वरुण। वरुण तुम मुझे मुझे सुन रहे हो ना वरुण, वरुण तुम मुझे सुन रहे हो ना वरुण, वरुण श्रुति आप यहाँ क्या कर रही हैं मॉम? श्रुति श्रुति चलो यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी मार देगा। उसने केतन को मारा और कुशल पे भी उसी ने हमला किया था। नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा भाई है। श्रुति मेरी बात का यकीन करो, वो मर चुका है। वो तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? वो एक बुरी आत्मा है। उसने उसने मुझे काबू में कर लिया है। केतन की भी जान उसी ने ली थी और उसी ने मुझे मजबूर किया था कुशल की जुबान काटने के लिए। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि क्योंकि कुशल ने उसे देख लिया था। मेरी बात पर यकीन करो बेटा, चलो चलो मेरे साथ। भैया मॉम ये क्या कह रही है? आ गई माँ, अब आप मेरे साथ ही रहोगी ना, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मैं माँ को अपने साथ मिला रहा हूँ। नहीं भैया इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। जब मैं इनसे बच नहीं पाया तो ये मुझसे कैसे बचेगी? याद है ना माँ, यही बारिश का मौसम था और जब हमारे जिंदगी में ऐसे ही तूफान आया था, मैं इनका सौतेला बेटा था। पापा से इनकी शादी होने के कुछ दिन बाद ही तुम पैदा हुई, लेकिन माँ हमसे प्यार नहीं करती थी, उन्हें बस पापा की दौलत चाहिए थी। इसलिए उन्होंने और केतन अंकल ने मिलकर वायरिंग के साथ छेड़खानी की ताकि जब पापा उन्हें छुए तो शॉर्ट सर्किट हो जाए। वो दोनों मुझे पकड़ने के लिए भागे पर मैं उस ट्रंक के अंदर जाकर छुप गया था। मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा पर माँ तुम्हें लेकर जा चुकी थी और उसी ट्रंक में मेरी मौत हो गई। यही है माँ का असली रूप। छोटो ने छोटो भैया ने प्लीज श्रुति, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। जियो माँ। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।